अरुंधति और वशिष्ठ जो स्टार्स हैं वो कोई एक तारा तो है नहीं, अभी तो दो तारे हैं। और आमतौर पे बहुत से ऐसे जोड़े हैं जो दो दो तारों के होते हैं, अंतरिक्ष में जब देखते हैं तो बहुत से ऐसे तारे हैं जो दो जोड़े में हैं या बहुत निकट एक दूसरे के होते हैं। लेकिन अरुंधति और वशिष्ठ जो तारे हैं इनमें एक विशेष बात है। आमतौर पे क्या होता है कि जब दो तारे एक साथ होते हैं तो उसमें जो हैवी स्टार होता है, जो बड़ा तारा होता है, उसके चारों ओर एक छोटा तारा चक्कर लगाता रहता है। लेकिन अरुंधति और वशिष्ठ के मामले में यूँ है कि ये दोनों तारे एक साथ घूमते हैं, तो इसलिए साउथ में, दक्षिण भारत में ये परंपरा रही है कि शादी के बाद पति पत्नी दोनों को अरुंधति और वशिष्ठ जो सितारा है वो दिखाया जाता है शादी के बाद, घर से बाहर निकाल के आंगन में ले जाके या खुले में ले जाके उनको कहा जाता है कि आप उस ओर देखिए, अरुंधति और वशिष्ठ की ओर। तो ये इंडिकेशन है कि विवाह का जो बंधन है इसमें दोनों का समान महत्व है। कोई एक केंद्रीय स्थिति, कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं है, अभी दोनों एक साथ हैं, एक साथ गति करेंगे तभी एक सफल वैवाहिक जीवन बन सकता है। तो ये नक्षत्र विज्ञान के अनुसार भी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है और ये नक्षत्रों के आधार पर जीवन में उतारने की बात भी है कि शादी जो है, विवाह जो है, वो एक ऐसा बंधन है जिसमें आप समान बल के साथ जुड़े, समान गति के साथ रहें और एक सामंजस्य बनाए रखें। इसमें कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है, क्योंकि जहाँ एक केंद्रीय सत्ता आई वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो आइसोलेट होता है, एक व्यक्ति है जो फर्स्ट्रेट होता है। तो इस सारे सिस्टम को समझा नक्षत्र विज्ञानियों ने, भारत के प्राचीन, और उन्होंने इसे आचरण में उतारने की सलाह दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही नैतिक, मॉरल और व्यवहार में उतारने वाली बात है। धन्यवाद।